लुटेरों को गिरफ्तार कर लूट का किया खुलासा। वहीं पुलिस ने बताया कि प्रार्थी मनोज कुमार निवासी आगरा द्वारी कोतवाली में रिपोर्ट लिखाई गई थी कि वो और उसका भाई योगेश कुमार जो कंपनी के प्रोडक्ट बेचने का काम करते हैं, वहीं प्रोडक्ट बेचने के संबंध में उसके भाई योगेश की किसी अनजान व्यक्ति से फोन पर बात हुई थी। उसने अपना नाम विवेक शर्मा बताया था और मुरादाबाद के एक होटल में मीटिंग करने को बुलाया था। वहीं जब वह उस अनजान व्यक्ति विवेक शर्मा से मिले तो उसने मनोज कुमार व योगेश कुमार के चाय में नशीली पदार्थ मिलाकर बेहोश कर दिया और फिर लुटेरा विवेक शर्मा मोबाइल फोन लैपटॉप आधार कार्ड एटीएम कार्ड बैंक पासबुक चेकबुक व 6,500 रूपए एक गाड़ी बीट लेकर फरार हो गया। वहीं प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सिटी आशीष श्रीवास्तव ने लूट का खुलासा करते हुए बताया कि तीनों लुटेरों को काट रोड रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों आरोपियों के नाम विवेक शर्मा डॉक्टर रवि दत्त सुनील कुमार है तथा इनके पास से लूट किए हुए सामान भी बरामद किए गए। पेश है मुरादाबाद के संवाददाता आलम वारसी की खास रिपोर्ट। जालसाजों ने दो व्यक्तियों को धोखे से होटल में बुला करके उनको मटेरियल मार्केटिंग की स्कीम में नंबर बनाने के लिए और रात को नशीली चाय पिला करके उनके पास जो सामान था उनकी गाड़ी चेवरलोट है उनका लैपटॉप उनका मोबाइल और उनके एटीएम कार्ड वगैरह ले करके सुबह फरार हो गए। इस संबंध में कल थाना कोतवाली की टीम ने बड़ा अच्छा काम किया और इनको गिरफ्तार किया। उनके पास से जो भी चीज़ें हैं लूट करके ले गए थे सब बरामद हो गई और जो गैंग पकड़ में आया है उसमें तीन लोग हैं, एक का डॉक्टर रविदत्त और दूसरा विवेक शर्मा है। ये मेन व्यक्ति हैं, दो लोग जालसाज हैं जिन्होंने इसके अलावा कई और लोगों को धोखाधड़ी करके और पैसे बढ़ा करके कई लोगों के साथ लूट करके इनके बारे में और मुकदमे पड़ताल की जा रही है। मास्टरमाइंड विवेक शर्मा है जो पहले यहाँ पर मस्ती कर चुका है, मेरठ में भी कार्य कर चुका है। ये अपने बातों में फंसा करके लोगों को धोखा बनाता है और दूसरा व्यक्ति झोला छाप डॉक्टर रवि दत्त है जो नजीबाबाद में अपनी एक दुकान चलाता है डॉक्टरी, यही जो बेहोश करने की दवा वगैरह लेकर के आता था रवि दत्त। इसी के द्वारा